स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकल टिप्स में। आज हम आपके लाए ओप्टोन्यूरॉन इंजेक्शन। ये देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको ये ओप्टोन्यूरॉन इंजेक्शन। ये भरपूर विटामिन और बी कम्प्लेक्स से बना हुआ है। इसकी पूरी जानकारी देंगे, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन लोगों को ये लेना चाहिए और कैसे कौन सी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या नुकसान है, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबाते रहो ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी जो है वीडियो की सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं आप ओप्टोन्यूरॉन इंजेक्शन है। ये 3 ml का एम्पुल होता है, ये 3 ml होता है इसमें। ये काफ़ी शानदार एम्पुल होता है। जो कंपोजिशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका कंपोजिशन है विटामिन बी कम्प्लेक्स विद विटामिन B12। ये दिख रहा है आपको विटामिन B12। और इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। दिख रही है आपको जनवरी 2018 और एक्सपायर हो रहा है नवंबर 2019। और MRP की बात करते हैं, इसकी MRP है ₹7.60, यानी कि ₹7 का इंजेक्शन आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा, अवेलेबल। बहुत कम कीमत है इसकी, ज़्यादा कीमत नहीं है फ्रेंड इसकी। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं। ये कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करने वाला इंजेक्शन है उसकी बात करते हैं फ्रेंड। ये आप सबसे पहले तो आपको अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, बहुत मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, खिंचाव की वजह से दर्द है, ऐठन हो रही है, हाथ पैरों में पटकन पड़ रही है और आपके आधे सिर में दर्द रह रहा है और आपकी मानसिकता कमज़ोर हो रही है, दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो रही है और आप कोई भी चीज़ रख रहे हैं रख के भूल जा रहे हैं, आपकी याददाश्त को सही करने के लिए कमज़ोर याददाश्त हो रही है, याददाश्त बहुत ज़्यादा ही भूल रहे हैं कोई भी चीज़ रख के, तो उन कंडीशनों में इसका इस्तेमाल करा जाता है फ्रेंड्स। और ये जो इंजेक्शन है ये आप इस्तेमाल कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। इसकी डोज है फ्रेंड्स, आप इस इंजेक्शन को देख रहे हैं IV और IM दिया गया है इसमें, लेकिन इसे IV और IM फ्रेंड नहीं लेना है, क्योंकि IV और IM लेंगे तो थोड़ा रिस्क है उसमें, वही बताएंगे इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ, इसे जो इंजेक्शन है इसे ड्रिप में ही लेना है, ओप्टोन्यूरॉन इंजेक्शन को ड्रिप में ही लेना है। ओप्टोन्यूरॉन इंजेक्शन जो है 3 ml का एम्पुल है, इसे ड्रिप के द्वारा ही ले सकते हैं। ड्रिप D5 है, RL हो गई, DNS हो गई, इन ड्रिप में डाल के आप इन बोतल में इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं अपने डॉक्टर से, ये इंजेक्शन। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप IM और IV देंगे, IV देंगे आप पेशेंट को, तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है, इससे आपको अगर IM IV दे रहे हैं तो बॉडी में रेडनेस हो सकती है, चकत्ते से पड़ सकते हैं और चक्कर आ सकते हैं, लूज मोशन हो सकता है और दिल घबरा सकता है आपका, उपकाई भी आ सकती हैं और उल्टी भी आने की संभावना हो सकती है फ्रेंड्स। तो इन कंडीशनों का ध्यान रखें, आप इसे ड्रिप के द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाएं और IV और IM इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप अगर इस्तेमाल करेंगे थोड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है फिर आपको, इसलिए फ्रेंड ध्यान रखें इस चीज़ का। इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा भी रहे हैं अपने डॉक्टर से तो पहले पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराएं अपने नज़दीकी डॉक्टर से, फिर उसके बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराएं। इसकी कंपनी की बात करते हैं फ्रेंड, ये लुपिन फार्मे का है। लुपिन बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी बेटर कंपनी है। तो ये उन कंडीशनों में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन बताया आपको हमने ड्रिप के द्वारा ही। अगर आपको इसे कमज़ोरी लग रही है, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द है, ऐठन हो रही है, पटकन पड़ रही है और झुंझुनाहटपन रह रहा है, नसों में सुनपन रह रहा है आपके और बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द है, कमज़ोरी है, थकान है, तो उन कंडीशनों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लाया जाता है फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा ही आपको अगर सिर में आधे सिर में दर्द रह रहा है आपके और आँखों से कम दिख रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उन कंडीशनों में इसका इस्तेमाल लाया जाता है। जिनके लोगों को कील मुहासे हो जाते हैं मुहासे, उन कंडीशन में भी इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल लाया जाता है। बी कम्प्लेक्स विद विटामिन B12 है इसमें, काफ़ी भरपूर B12 है इसमें, विटामिन B12 है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप पेशेंट को इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें जिसमें, और ये अगर आप इस इंजेक्शन को ड्रिप में डाल रहे हैं तो MBI का इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है और पोलीवियन इंजेक्शन है वो नहीं डालना है, या इससे जो मिलते जुलते जो इसके जो साल्ट से बी कम्प्लेक्स है और विटामिन B12 से जो भी इंजेक्शन है उस वो ड्रिप में डालना अगर आप ये इंजेक्शन डाल रहे हैं तो ओप्टोन्यूरॉन, तो बाकी वो इंजेक्शन नहीं डालना है फ्रेंड्स, ये चीज़ का ध्यान रखना है। सिंगल ये डालना है, सिंगल इंजेक्शन ये ड्रिप में आप डाल के चढ़ा सकते हैं।
स्लो स्लो चला सकते हैं, बहुत बेटर रिजल्ट है फ्रेंड इसका, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और एक बात और बता दूं, अगर आप इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो उन महिलाओं को बचा कर रखेंगे जो प्रेग्नेंट महिला हैं, और जो महिला मतलब प्रेग्नेंट हैं उन महिलाओं को इस इंजेक्शन को नहीं देना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप अगर उन महिलाओं को इंजेक्शन का इस्तेमाल कराएंगे तो चाइल्ड पे असर पड़ सकता है काफ़ी, उसके बच्चे पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसका, इसलिए बच्चे महिलाओं को जो प्रेग्नेंट महिला हैं उन्हें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कराना है। और आप अगर कोई देसी दवा या कोई वैसी अन्य दवा खा रहे हैं, आप विटामिन वाली या विटामिन वाली या B12 वाली कोई टैबलेट ले रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा नुकसान हो सकता है, कोई डबल डोज हो जाएगी फिर आपकी, इसलिए आप उस दवा देसी दवा या कोई अन्य दवा खा रहे हैं, मतलब आप विटामिन B12 से जुड़ी हुई अंग्रेजी दवा या देसी दवा वैसी खा रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। क्या फ़ायदा आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी आप डबल मल्टीविटामिन होगी तो आपकी बॉडी में नुकसान होगा, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ इस ओप्टोन्यूरान इंजेक्शन के बारे में, इससे आप इस्तेमाल जब ही करना है आपको, जैसे बहुत ज़्यादा आपको पैरों में हड़कन हो रही है, दर्द हो रहा है और कमज़ोरी लग रही है आपको बहुत ज़्यादा, और नसों में सुनपन रह रहा है, झंझनाहट रह रही है हाथ पैरों में, और तलवों में से आग भी निकलती है, तो उन कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। तलवों में से आग निकलती है हाथों पैरों में से आग निकलना इनके, और आधे सिर में दर्द होना, और जैसे बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, तो उन कंडीशनों में इसे ड्रिप के द्वारा इस इंजेक्शन को लगवाया जाता है फ्रेंड्स, कंडीशनों में लाया जाता है इस इंजेक्शन के, इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स इसके जो है, तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।